एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। विआह वाले दिन लाड़ा मैरिज पैलेस की थां थाने पहुँच गया, भरने पे 18,000 रुपए, उपरों 15 लाख तो वध दा नुकसान होया। ओ होर दस दिए कि बरात कढ़ी जा रही सी, काफला जा रहा सी रोड तो, जेड़ी गड्डी दे विच दूल्हा बैठा होया सी ओ गड्डी सनरूफ वाली सी, तो उस विचों एक शख्स बाहर निकलिया होया सी। पुलिस ने इस चीज़ नूं होंदे हुए देखिया, ये सरासर वॉयलेशन है, ये नियमों की उलंघना है, तो पुलिस ने यह देखते हुए सख्त कार्रवाई की। पुलिस दे वल्लों ये नहीं देखा गया कि लाड़े की कार है, ब्याह करन जा रहे ने, शुभ मौके पर जा रहे हैं, पर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए इस गड्डी नूं रुकवाया। तस्वीरों के तुहानूं गड्डी दिख रही होगी, वरना है चिट्टे रंग की, गड्डी नूं रुकवाया, लाड़े नूं थाने बुलाया। तो दस दिए कि 18,500 रुपए का तो पहला चलान कटिया, फिर लाड़े ने सीट बैल्ट नहीं लाई हुई सी, 1,000 रुपए का वो चलान कटिया, बाद दे विच जिहड़ी पूरी गड्डी है उसनू भी इंपाउंड कर लिया। दस दिए कि पुलिस ने यह भी किया है कि ब्याह शादियां दे विच या होर भी किते गड्डियां दी सनरूफ तो बाहर निकल के नैशनल हाईवे ते ड्राइव करना नियमों की धज्जियां उड़ाउण दे बराबर है, तो जो भी इस तरीके दे नाल करतूतां करेगा उस खिलाफ एक्शन तो जरूर होगा। तो इस तरीके दे नाल इस लाड़े दे नाल भी बीती है, कितने इसने अपने विआह दे मंडप दे विच जाना सी ते इसनू थाने जाना पिया, ते विआह दे शुभ दिन इसनू 15 to 20 लाख रुपए का घाटा हो गया, क्योंकि वरना चिट्टे रंग की इंपाउंड कर ली गई है। ज़्यादातर इंपाउंड हुई गड्डियां बड़ी मुश्किल ही प्राप्त होंदिया ने, पर जेकर गल की जाए तो 18,500 का चलान तो इनू भुगतना ही पवेगा, तो 1,000 रुपए का नगद चलान जिहड़ा कि इस लाड़े ने सीट बैल्ट नहीं पाई हुई सी। दस दिए कि खबर नू मेवात तो सामने आ रही है, आओ इस उपर ट्रैफिक पुलिस दे इंचार्ज का की कहना है जान दें। ये घटना है अपने जो भक्तपुर जिरका जो रोड है उसकी घटना है। आजकल शादियों का समय चल रहा है, जो भी बच्चे हैं जवान बच्चे हैं वो जो सनरूफ गाड़ियां हैं उनके बाहर निकलते हैं, वहाँ स्टंट करते हैं, जिससे आम पब्लिक को परेशानी भी होती है और जो दूसरे वाहन चालक हैं उनका ध्यान भटकता है, जिससे दुर्घटनाएँ होने की काफ़ी संभावनाएँ हो जाती हैं। इसलिए हम अपने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार उन वाहनों को जब्त करते हैं, नियम अनुसार उनके चालान करते हैं और उनको समझाते हैं ताकि पब्लिक जागरूक हो जाए और ऐसा ना करें। बारातियों की जो गाड़ी थी उसका कितने रुपए का चालान है, क्या इंपाउंड किया गया, और इसके अलावा कुछ इलीगल माइनिंग के ट्रैक्टर वगैरह उनके पास जो मैंने आज जो स्टंट कर रहे थे उनका करीब 35,000 रुपये का चालान किया गया है, और जो माइनिंग के थे ट्रैक्टर थे उनको इंपाउंड किया है, और उस कार में जिसमें स्टंट करते उसको जब्त किया गया है, और एक आईवा को भी जब्त किया गया है वो भी ओवरलोडिंग में, उसमें जो अवैध माइनिंग वगैरह के हैं जो राजस्थान से आते हैं उनको हम जब्त करते हैं।